जबलपुर में जीआरपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य स्टेशन के फूड प्लाजा के पास एक संदिग्ध युवक 2 करोड़ रुपए की नकदी और जेवर के साथ गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस का कहना है कि गुरुवार रात प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित फूड प्लाजा के पास एक युवक को संदिग्ध पाए जाने पर तलाशी ली गई। तलाशी में युवक के पास से रखे एक बैग और ट्रॉली बैग में से 1,27,20,000 रुपए की नकदी और 6 किलो 200 ग्राम चांदी बरामद की गई है। पूछताछ में युवक सवालों के सही जवाब नहीं दे पाया, फिलहाल उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। चाहे सोना इसकी पेमेंट आई, हम मुंबई जा रहे थे, मुंबई से फिर हमें गांव जाना। इतना ज्यादा कैश आपसे मिला है और सोना चांदी? जी सर, हमने सोना बेचा था, सोने की पेमेंट आई हमारे पास, वो पेमेंट लेके हम मुंबई जा रहे थे, मुंबई से हमें गांव जाना था। इतना सोना आया कहाँ से आपके पास, कहाँ से लेके आए? हमारे पिताजी ने खरीदा था सर। कितना सोना? हमें भाव कम था तब, हमारी जमीन बेची, जमीन बेच के सोना खरीदा हमने पिताजी। कितना सोना बेचा? 2.5 किलो सोना था। जीआरपी थाने में लेने के उपरांत उस पैसे को उसके सामने गिना गया, सारे बैग खोले गए, तलाशी ली गई और तलाशी के उपरांत नियमानुसार सारी कार्रवाई करने के उपरांत पाया गया कि 1,27,20,000 रुपया कैश है इसके अंदर और इसके अलावा 6 किलो 100 ग्राम चांदी के ऑर्नामेंट्स हैं, जिसका कि थाना राम के पास कोई जानकारी नहीं है। और ये इसके द्वारा मुझे अवगत कराया गया, टीम को अवगत कराया गया कि ये किसी अशोक ट्रेडर्स वाले, अशोक ज्वेलर्स हैं ऑब्लिक अशोक ट्रेडर्स वाले, उनके यहाँ पे काम करता है। इसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसकी सबकी एक एक बिंदुवार तस्दीक कराई जाएगी। अमाउंट 10 लाख से ऊपर होने के कारण से इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी गई है, इनकम टैक्स की विभाग की टीम भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया।